बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इंडियन टीम का हुआ ऐलान, ऋषभ पंत की हुई वापसी तो इन चार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह। क्या बांग्लादेश के खिलाफ ऋषभ पंत दिखा पाएंगे अपना जलवा? 634 दिनों के बाद टेस्ट टीम में हो रही है वापसी, वीडियो में जाने सिलेक्टेड टीम की पूरी बात। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली घरेलू टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। बता दें कि भारतीय टीम इसी महीने अपने घर में बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। पहला मुकाबला चेन्नई में 19 सितंबर से जबकि दूसरा मैच 27 सितंबर से कानपुर में होगा। टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की भी वापसी हुई है। ये भारतीय टीम की मार्च 2024 के बाद अपनी पहली रेड बॉल टेस्ट सीरीज है। पिछली सीरीज में इंग्लैंड को 4-1 से हराया था। दूसरी ओर ये सीरीज नए भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर के लिए भी पहली रेड बॉल सीरीज होगी। बता दें कि इस बार टेस्ट सीरीज से पहले क्रिकेट टीम से चार खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिन्हें इस टीम में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। इस सीरीज के साथ ही तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हो रही है। उन्होंने T20 कप फाइनल के बाद से ब्रेक लिया था। ये फाइनल 29 जून को हुआ था। साथ ही दूसरे विकेट कीपर के तौर पर ध्रुव जुरेल को चुना गया। पहले टेस्ट के लिए श्रेयस अय्यर, देवदत्त पडिक्कल, ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ को जगह नहीं मिली है। KL राहुल को बतौर बल्लेबाज शामिल किया गया है। कप्तानी रोहित शर्मा ही संभालेंगे जबकि बतौर स्पिनर आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव को चुना गया है। बता दें कि ऋषभ पंत पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी, जिनकी टेस्ट टीम में वापसी हुई है। पंत 634 दिनों के बाद टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं। सड़क हादसे के बाद वो टीम से बाहर रहे थे। बांग्लादेश के खिलाफ ये टेस्ट सीरीज आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिहाज से बेहद अहम होगी, जो इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाएगी। चेन्नई की पिच स्पिन फ्रेंडली मानी जाती है। इसे देखते हुए स्क्वाड में चार स्पिनर्स को शामिल किया गया है। इनमें रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव का नाम शामिल है। खास बात यह है कि चारों खिलाड़ी बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं। ऐसे में इनके होने से बल्लेबाजी क्रम भी टीम इंडिया का काफी स्ट्रांग दिख रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ ये टेस्ट सीरीज आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिहाज से बेहद अहम होगी, जो इस साल के अंत में आयोजित होनी है। बता दें कि पहले टेस्ट के लिए जिन भारतीय खिलाड़ियों का चयन हुआ है उनके नाम इस तरह से हैं: रोहित शर्मा जो कि कप्तानी संभालेंगे, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, KL राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत जो कि विकेट कीपर रहेंगे, ध्रुव जुरेल जो कि विकेट कीपर रहेंगे, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और यश दयाल। ये सभी खिलाड़ी इस बार बांग्लादेश के खिलाफ अपना जलवा दिखाने वाले हैं। दोस्तों, इस प्लेइंग 11 की टीम को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, सिलेक्टेड टीम को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही।